Jesus who are working hard to make this expo successful and fruitful. आखिर में मैं उर्दू में थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा. मुझे दूसरी दफ़ा मौका मिला इस इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो पे आने का. पिछले साल जब मुझे ये महकमा मिला था तो उसके फौरन बाद आपका ये इंटरनेशनल इवेंट हो रहा था, तब एक दफ़ा मौका मिला और आज अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे मौका दिया. आज इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर साहब को यहाँ तशरीफ़ लाना था, वो उम्रे पर तशरीफ़ ले गए, तो उनकी नुमाइंदगी करते हुए मैं आज यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. मैं खुद एक फार्मर हूँ, खेती बाड़ी से मेरा ताल्लुक है और जो अपनी खेती बाड़ी में मैं सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ा मसला समझता हूँ वो डॉक्यूमेंटेशन को समझता हूँ. हम चीज़ों को मैयर नहीं करते, कैलकुलेटेड नहीं है, अलग हिसाब. एक हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग चीज़ें बहुत महंगी है. एक तरफ हम रोना रोते रहते हैं कि हमारी इनपुट कॉस्ट बहुत महंगी है, हमारी खाद महंगी है, हमारा पानी महंगा है, हमारे बीज महंगे हैं, हमारे पेस्टिसाइड महंगे हैं, और दूसरी तरफ हम उनका बहुत बेदरेर इस्तेमाल करते हैं. हमारी इनपुट्स महंगी हैं और उनका बेदरेर इस्तेमाल हमें मजीद अन इकोनॉमिकल बना देता है. तो पोल्ट्री इंडस्ट्री वाहिद इंडस्ट्री है जो मुझे हमेशा बहुत एक्साइट करती रही है इस हवाले से कि ये टोटली डॉक्यूमेंटेड और टोटली कैलकुलेटेड इंडस्ट्री है. ये अपने एक एक ग्राम ऑफ खुराक जो कि लाखों बर्ड्स को दिया जा रहा है उसको कैलकुलेट भी करते हैं, मैयर भी करते हैं. बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिसमें ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में दुनिया के ऊपर के 3-4 मुल्कों में खड़े हैं. तो मेरी ख्वाहिश और तमन्ना पिछले साल भी थी और इस साल भी है कि हम अपने बाकी लाइफ स्टॉक के सेगमेंट्स को जिसमें डेयरी आता है, जिसके अंदर फीड या फैटनिंग आता है, दीगर शोबा जात आते हैं, इवन जनरल एग्रीकल्चर आता है, अगर उनको हम इन्हीं हद्दोखाल पर लाने में कामयाब हो जाएं जो कि पोल्ट्री ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, जैसे अपने आप को एक फॉर्मल सेक्टर में वो लाए हैं और उन्होंने एक 700 बिलियन डॉलर की 700 बिलियन रुपए की इंडस्ट्री बनी है हमारे पास, जो कि हमारी मीट की वाइट मीट की एक आपने प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से जरूर सुना होगा. और आप में से जो लोग डेटा देखते हैं पढ़ते हैं, हमारा मुल्क एक्यूट मसले का शिकार है स्टंटेड ग्रोथ के. पोल्ट्री एसोसिएशन का मैं बड़ा मशहूर हूँ कि ये हमारी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पत्तोकी के अंदर एक स्कूल को इन्होंने ओन किया हुआ और वहाँ पर ये बच्चों को लंच मुहैया कर रहे हैं कई सालों से. और उस लंच मुहैया करने की वजह से उन बच्चों की जो अफजाइश है उसके ऊपर बहुत मुस्बत इकदाम है. और प्लीज आज हमारी जिस तरह इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स उनको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ, ना सिर्फ जो स्टेज पर बैठे हुए बल्कि उनके वो साथी जो आज स्टेज पर नहीं हैं, इवन उस खाकरोट तक जिसने इस हॉल को साफ किया ताकि हमारे जो मेहमान डोमेस्टिक हैं या जो इंटरनेशनल तशरीफ लाए हैं उनके सामने हमारा तासुर अच्छा जा सके. तो मैं पर्सनली हुकूमत की तरफ से आपकी सारी टीम का बहुत मशहूर भी हूँ और उनको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ. वाइस चांसलर साहब और जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं इनको देखकर आप समझिए कि हमें एक बहुत बहुत बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है कि हमारा जो यूथ है वो ना सिर्फ किताबों में बल्कि वो इस तरह के एक्सपोज पर आ रहे हैं, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस को सुन रहा है. मैंने जब इंजीनियरिंग की थी तो मुझे इंजीनियरिंग के दौरान कभी किसी कॉन्फ्रेंस में बैठने का मौका नहीं मिला था, कभी किसी एक्सपो को देखने का मौका नहीं मिला था. अपनी जो तिश्नगी थी उसको फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आकर मैंने पूरा किया और आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. एक चीज मैं कहूंगा, आपने नीदरलैंड के अंबेसडर की बात सुनी है, उन्होंने अपने 9 स्टॉलों का कितने दिल के साथ इजहार किया, कितने शौक से उसने इसरार किया एक एक बंदे को इस हॉल में बैठे हुए स्टूडेंट्स को कि आपने हमारे स्टॉल पर जरूर जाना है, आपने हमारी चीजों को जरूर देखना है. और नीदरलैंड एक ऐसा मुल्क है जो कि हमारे साथ बहुत पहले से कोलैबोरेट किए हुए. मुझे भी खलील सतार साहब ने बताया कि जो प्रोसेस इंडस्ट्री है इसको लीड ही नीदरलैंड की इंडस्ट्री करती है. जो पोल्ट्री की प्रोसेस इंडस्ट्री इसमें जर्मनी और दीगर ममालिक भी हैं, चाइना भी अपना रोल प्ले कर रहा है.
नीदरलैंड एक ऐसा मुल्क है जो आज भी पाकिस्तान में उसकी मशीनें ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। लेकिन मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के सामने ये रखना चाहता हूं कि जिस वक्त हम अपने पाकिस्तान के फ्लैग को देखें, जिस वक्त कौमी तराने को सुने, तो हमारे दिल के अंदर वही जज्बा और वही चमक होनी चाहिए जिस तरह इसने अपने 9 स्टॉलों के मुतल्लिक बात की है और हम सबको कहा है कि भाई आपने उन स्टॉल्स पर जरूर जाना है। आखिर में मैं चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट खालिद सलीम साहब को और दूसरे सूबे से आए हुए जो तमाम साथी हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, खासतौर पर गुलाम खालिद साहब को या दीगर साथी जिनके मैं नाम नहीं ले सका। आई ऑल्सो वेलकम ऑल द ऑनरेबल डेलीगेट्स हु हैव कम अक्रॉस द ग्लोब। आई एम टोल्ड दैट देयर अबाउट 500 पीपल हु हैव कम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दे आर एग्जिबिटिंग देयर प्रोडक्ट्स हियर। आई ऑल्सो वेलकम द पीपल द एक्सपर्ट्स ऑफ द एकेडेमिया ऑफ द सेक्टर हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्फ्रेंस एंड जनरली आई हैव बीन टू कॉन्फ्रेंसेज। सो इफ आई गो टू एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस there is a very little thing on the menu for the local industry. Like if you have 10 items on the menu, so there may be one or two items which are relevant to the local industry or the local environment or something. I hope and pray and I am sure that under the dynamic leadership of our vice chancellor Talat Naseer Pasha sahab and with the collaboration of the industry, they would have selected the most relevant people who would be presenting their papers, and I would be interested in knowing what was the outcome of the paper which was presented last time, the conference of the last time, and what would be the outcome of the conference which we would be ending after 2 or 3 days. I thank all of you for the patient hearing. Pakistan Zindabad.